नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। हाल ही में राज्यसभा से रिटायर हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने पीएम मोदी को जमीन से जुड़ा हुआ नेता बताया है। आज़ाद ने रविवार को गुज्जर समुदाय के एक कार्यक्रम में पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि हमें अपनी मूल विनम्रता और लोगों को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को नरेंद्र मोदी से सीख लेनी चाहिए, जो प्रधानमंत्री बन गए लेकिन अपनी जड़ों को नहीं भूले। फिर उसके बाद कोई कहता है गांव। मुझे बहुत सारे लीडरों की बहुत अच्छी अच्छी बातें अच्छी लगती हैं। अब जैसे मैं खुद गांव का, तो मुझे बड़ा फख्र होता है। कई बड़े लीडर हैं हमारे, प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं मैं गांव से नहीं था, कुछ भी नहीं था, बर्तन मांजता था, चाय मांजता। सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा। और जो ही आपने अपनी असलियत छुपाई तो आप एक मसनवी दुनिया में रहते हैं, एक आरजी दुनिया में रहते हैं। आदमी को फख्र होना चाहिए। मैं दुनिया भर घूमा हूं, 125 देशों में भी घूमा हूं, 5-star, 7-star होटल्स में रहकर। लेकिन जब मैं अपने गांव के लोगों के साथ बैठता हूं, चाहे उनके कपड़े अपने धुले में हो कम हो, लेकिन उसकी एक अलग खुशबू और मजा आ जाता है। बता दें कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे गुलाम नबी आजाद के विदाई समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी ने जमकर उनकी तारीफ की थी। आजाद के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहने के दौरान हुई एक आतंकी घटना का जिक्र कर मोदी भावुक हुए थे और आजाद को सैल्यूट किया था। राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद आजाद इन दिनों जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए हैं। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से नाराज बताए जा रहे G23 नेताओं में शामिल है। इस G23 नेताओं ने शनिवार को जम्मू में एक सभा की थी। इस दौरान मंच से कांग्रेस आलाकमान को स्वीकार करने की नसीहत दी थी कि पार्टी कमजोर हुई है और इसे मजबूत करने के लिए काम करने की जरूरत है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।